नमस्कार, स्वागत है आपका NBSC न्यूज में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेख। खबर सिरोही से चौंका देने वाला मामला सामने आया है। मामला है राजस्थान के सिरोही का, जहां एक दो तीन नहीं बल्कि एक साथ 30 महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया गया है। बता दें, आंगनबाड़ी में नौकरी देने के नाम पर यह अपराध किया गया है। इन महिलाओं के साथ न सिर्फ नशीला खाना खिलाकर गैंगरेप किया गया बल्कि अश्लील वीडियो बनाने का भी आरोप लगा है। आली निवासी महिला ने इस संबंध में सिरोही थाने में रिपोर्ट दी है। इस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल इस मामले की जांच सिरोही DYSP पारस चौधरी कर रहे हैं। थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट में महिला ने आरोप लगाया है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बनाने के नाम पर सभापति और आयुक्त ने उसको और 30 महिलाओं को झांसा देकर बुलाया, गैंग रेप किया, ना ही नहीं अश्लील वीडियो बनाकर महिलाओं को ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया है। पिता के अनुसार दो तीन महीने पहले आंगनबाड़ी में काम करने के लिए वह अपने साथी महिलाओं के साथ सिरोही आई थी। इस दौरान सिरोही नगर परिषद सभापति महेंद्र मेवाड़ा और तत्कालीन आयुक्त महेंद्र चौधरी से मिली। दोनों ने उन्हें अपने एक परिचित के घर पर रुकवाया, खाने पीने की व्यवस्था करवाई। इस दौरान खाने में नशीला पदार्थ मिलाकर दोनों ने अपने साथियों के साथ महिलाओं से दुष्कर्म। मामले की जांच कर रहे अधिकारी DYSP पारस चौधरी ने बताया है कि उस समय पहले भी महिलाओं ने परिवाद रोही थाने में दर्ज करवाया, जांच में झूठा पाया गया था, लेकिन अब राजस्थान हाईकोर्ट में 8 महिलाओं ने रिट लगाई पर अब मुकदमा दर्ज करने का आदेश दे दिया गया है। अब अनुसंधान किया जा रहा है। बता दें, मामले में बड़ा अपडेट भी देखने को मिला है, जहां नगर परिषद चेयरमैन महेंद्र सिंह मेवाड़ा और आयुक्त महेंद्र चौधरी को APO कर दिया गया है। बता दें, मामले के मीडिया में आने के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मामले की जांच के लिए कमेटी गठित कर दी है। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही, बने रहिए NBSC न्यूज के साथ। नमस्कार।